जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की लेटेस्ट अपडेट्स को। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या भारतीय नौसेना LCA नेवी की एक पूरी की पूरी स्क्वाड्रन को खरीदने की तैयारी कर रही है। क्या भारतीय नौसेना इस चीज को कंसिडर कर रही है कि INS विक्रांत से LCA नेवी को भी ऑपरेट किया जाए। इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढेंगे आज के अपने इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हाल ही में हम सभी लोगों ने देखा कि INS विक्रांत में जो फाइटर जेट के ट्रायल हैं वो शुरू हो चुके हैं। पहले LCA नेवी 6 फरवरी 2023 को INS विक्रांत पे लैंड करता है, और उसके बाद हाल ही में MiG-29K के द्वारा जो नाइट लैंडिंग ट्रायल्स हैं उनको भी सक्सेसफुली पूरा कर लिया गया है। तो यहाँ पर INS विक्रांत अब भारतीय नौसेना के सर्विस में आने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन अगर हम LCA नेवी की बात करें, तो बात है वर्ष 2018 की, जब भारतीय नौसेना ने उस समय ये व्यक्त की थी अपनी इच्छा कि वो LCA नेवी को INS विक्रांत के डेक से ऑपरेट करना चाहते हैं। लेकिन बाद में किन्हीं कारणोंवश उनको अपना ये फैसला बदलना पड़ा, और फिर भारतीय नौसेना ने अपना जो पूरा का पूरा फोकस है वो ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर पर केंद्रित कर दिया, और कहा कि आने वाले निकट भविष्य में यही वो फाइटर जेट होंगे जो कि INS विक्रांत से ऑपरेट किए जाएंगे। हाल ही में लाइफेस डिफेंस की एक रिपोर्ट सामने आती है, जहां पर उनके द्वारा ये कहा जाता है कि भारतीय नौसेना इस समय ऐसे पॉसिबिलिटीज की तलाश में है कि छोटी संख्या में जो LCA नेवी फाइटर जेट्स हैं इनको खरीदा जाए और इनको एक डेडिकेटेड ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्क्वाड्रन के तौर पर ऑपरेट किया जाए, जो कि आने वाले फ्रंट लाइन नेवल एविएटर्स को ट्रेन करने के काम में आए। क्योंकि हम सब अच्छे से जानते हैं कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम में कोई भी ट्रेनर वेरियंट नहीं है, तो उसमें ये एयरक्राफ्ट एक अहम भूमिका निभाएंगे। हालांकि ये जो विचार है अभी डिस्कशन स्टेजेस में है, और रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रही है कि आने वाले समय में भारतीय नौसेना 12 से 15 या फिर पूरी की पूरी जो 18 एयरक्राफ्ट की स्क्वाड्रन है उसको कंसीडर कर सकती है, और उनका इस्तेमाल ट्रेनिंग और दूसरे पर्पस की पूर्ति के लिए हो सकता है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि LCA नेवी के भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, जैसे कि ये एक बहुत बड़े गैप को फिल करेगा जो कि टेस्ट टीम और फ्रंटलाइन फ्लायर्स के बीच में होता है। वहीं ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर एयरक्राफ्ट जो भारतीय नौसेना में इंडेड किए जाएंगे, तो उसके लिए पायलट्स को ट्रेन करने के क्षेत्र में भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के तौर पर जाना जाएगा, क्योंकि इससे जो प्राप्त लर्निंग्स होंगी वो आगे चल के TERBF के पायलट्स को बहुत ज़्यादा मदद करने वाली होंगी। सबसे बड़ी बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि इस समय नेवी के पास जो हॉक ट्रेनर्स हैं ये एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक से ऑपरेट नहीं किए जा सकते, और इसी से LCA नेवी के जो चांसेस हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनके आने के बाद जो पायलट्स हैं इनको स्टोबार ऑपरेशंस के लिए ट्रेन किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी LCA नेवी खुद INS विक्रांत पर लैंड कर चुका है, INS विक्रमादित्य पर लैंड कर चुका है, और पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए ये एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी सारी चीज़ों ने इंडियन नेवी का जो इंटरेस्ट है उसे एक बार फिर से जगाया है, और ये पॉसिबिलिटी बनाई है कि एक स्क्वाड्रन तकरीबन LCA नेवी की आने वाले समय में सर्विस को ज्वाइन कर सकती है। मौजूदा समय में इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और तकरीबन 40 से ज़्यादा MiG-29K फाइटर जेट हैं, और प्रत्येक एयरक्राफ्ट कैरियर अपने साथ तकरीबन 20 से 25 फाइटर जेट्स को कैरी करेगा, जिसका मतलब ये है कि नेवी के जो शोर बेस्ड स्क्वाड्रन है उसको INS विक्रांत पे मूव कर दिया जाएगा। और यहाँ पर एक एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी बनती है नेवी तेजस के लिए कि इसे शोर बेस्ड स्क्वाड्रन पे डिप्लॉय किया जाए, ताकि जो ये फाइटर जेट का गैप होगा उसको ये सप्लीमेंट कर सके और पूरी तरीके से भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट्स को भी यहाँ पर फुलफिल कर सके। भले ही तेजस को INS विक्रांत के डेक से ऑपरेट नहीं किया जा सकता मैक्सिमम पेलोड के साथ, लेकिन ये काम हम शोर भी से कर सकते हैं, यानी किनारों से भी तो हम इन्हें ऑपरेट कर सकते हैं, और शोर बेस्ड जो फैसिलिटीज है वहां से मैक्सिमम पेलोड के साथ जो LCA नेवी है ये ऑपरेट किया जा सकता है, और जरूरत पड़ने पर ये एक महत्वपूर्ण भूमिका में भी देखा जा सकता है। अगर हम नेवी तेजस की बात करें तो ये 2 डर्बी 2 R-73 मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। इसके अलावा और भी जो दूसरे वेपन्स हैं वो इसके स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा बन सकते हैं। LCA नेवी के प्रोटोटाइप्स की बात करें तो अब तक 2 प्रोटोटाइप उड़ान भर चुके हैं, और जो तीसरा प्रोटोटाइप है वो अंडर डेवलपमेंट है। शुरू करते हैं NP-1 से। NP-1 पहला प्रोटोटाइप है जो कि ट्विन सीट कॉन्फ़िगरेशन में हमें देखने को मिलता है। इसके डेवलपमेंट की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी, और इसकी पहली उड़ान 27 अप्रैल 2012 को आयोजित करी गई थी, और पहली उड़ान के बाद से ही भारत ने इतिहास रच दिया था, और भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया था जिनके पास खुद का एयरक्राफ्ट का नेवल वेरिएंट था, यानी जिनके पास खुद का एक नेवल फाइटर था जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने में सक्षम था।
अब अगर हम इस पूरे प्रोग्राम की बात करें तो इसने अपने कई जो कंपैटिबिलिटी टेस्ट हैं उनको पास कर लिया है। इनफैक्ट दिसंबर 20 2014 को पहली बार NP1 ने शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी से भी उड़ान भर के अपना जो एक इतिहास है वो रचा था। वहीं अगर हम NP2 की बात करें तो जो सेकेंड प्रोटोटाइप है वो एक सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट है। इसने अपनी पहली उड़ान 7 फरवरी 2015 को भरी थी और उसके बाद से लगातार इसके जो टेस्ट हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन जो थर्ड प्रोटोटाइप है LCA नेवी का, उसे हम NP5 के नाम से जानेंगे, जो कि इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों है, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, NP5 का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव को भी देख चुका है। इसकी जिम्मेदारी नेवल प्रोजेक्ट ऑफिस बेंगलुरु के कंधों पर थी, जो कि अब इस समय TDVR प्रोग्राम को मॉनिटर कर रहे हैं। शुरुआत में ये माना जा रहा था कि शायद भारतीय नौसेना अपना जो इंटरेस्ट है वो NP5 को लेकर के ख़त्म कर चुकी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। NP5 का जो डेवलपमेंट है वो चल रहा है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ऑलरेडी जो फैब्रिकेशन है NP5 का वो लगातार हो रहा है और इसका जो निर्माण है वो NP1 और NP2 से प्राप्त जो अनुभव हैं उनके आधार पर किया जा रहा है। दरअसल NP1 और NP2 की बात करें तो वो एक एयरफोर्स वेरिएंट थे जिनको नेवल वेरिएंट में कन्वर्ट किया गया है, लेकिन NP5 एक डेडिकेटेड नेवल फाइटर होने वाला है जिसे अब तक के जो अध्ययन हुए हैं उनके आधार पर बनाया जा रहा है। इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स करी गई हैं और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है और कहा जा रहा है कि ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर के डेवलपमेंट में NP5 की भूमिका काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि TDVR के जो लैंडिंग गियर्स हैं और दूसरी टेक्नोलॉजीज हैं वो यहीं से वैलिडेट करी जाएंगी और यहीं से प्राप्त हुए अनुभवों के आधार पर उनका निर्माण भी किया जाएगा। 10 जुलाई 2022 को NP5 की जो पहली तस्वीर है वो सामने आई थी, जो कि इसके असेंबली लाइन से बाहर निकलने की है और बताया जा रहा है कि लगातार इस पर काम शुरू किया गया है और इसी से जो अनुभव प्राप्त होगा, इसी से जो डेटा प्राप्त होगा, उसका इस्तेमाल TDVR के डेवलपमेंट में किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।